अक्सर सहयोग की बात करते हैं, पर सच बात यह है कि सच्चा सहयोग क्या है? कि वो सहयोग जिससे सामने वाला सुखी हो जाए। तो सच्चा सुख कहाँ है? आराधना में। सच्चा सुख किस में है? स्वभाव में है। सच्चा सुख किस में है? निर्दोषता में है। सच्चा सुख किस में है? विवेक में है। सच्चा सुख किस में है? सच्ची मान्यता में है। सच्चा सुख किस में है? सच्चे ज्ञान में है। अरे तो इसमें जीव को लगाने का नाम सच्चा सहयोग है, क्योंकि अज्ञानता में ही आपने लगा लिया, उसमें सहयोग भी दे दिया, तो उसका दुख दूर नहीं होने वाला है, सुख नहीं आने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति तंबाकू खाकर कैंसर पीड़ित हो रहा है, लेकिन फिर से तंबाकू लीक के लिए रो रहा है, तो आप तंबाकू खिलाओगे कि नहीं? सहयोग करोगे कि नहीं? अरे आप तंबाकू खिला के सहयोग नहीं कर रहे, उसकी मृत्यु की तैयारी करा रहे हो। ऐसे ही प्रभु, हम सामने वाले को सहयोग करने के पहले विचार करें कि जो हम सहयोग कर रहे हैं उससे उसका दुख बढ़ने वाला है कि सुख। अरे यदि उसका ज्ञान सही होगा, उसका श्रद्धान सही होगा, उसका आचरण सही होगा, वो अपने को शुद्ध आत्मा जानेगा मानेगा, तो उसको सुख होगा। और इस काम के लिए आप सहयोग करेंगे तो वो सहयोग आपका सहयोग कहलाएगा। इसलिए सच्चा सहयोग आराधना में होता है, आराधना के लिए प्रभावना में होता है। आप सामने वाले को आराधना में सहयोग कर रहे हैं तो इसका नाम प्रभावना है। यदि आप सामने वाले को विराधना में सहयोग कर रहे हैं तो इसका नाम आप प्रभावना है। इसलिए सहयोग करो, अवश्य करो, पर सहयोग के पहले जान तो लो कि जिस प्रकार का सहयोग आप उसको कर रहे हैं उससे उसका सुख बढ़ेगा कि दुख। जहां अज्ञानता का साय पाप विषय बढ़ेंगे वहां दुख ही बढ़ेगा, और जहां ज्ञान श्रद्धान संयम साधना आराधना बढ़ेगी वहां पर सुख ही बढ़ेगा। इसलिए सहयोग के पहले हम किस बात का सहयोग कर रहे हैं इसका विचार अवश्य करें, और उस बात का सहयोग दें जिसमें सचमुच वो जीव सुखी हो। विचारना भाई।